वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने, नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। धर्म संसद हुई तो कई लोगों के पेट में मचलन शुरू हो गई है। हरिद्वार से लेकर रायपुर तक हुई धर्म संसद में संतों का गुस्सा देखने को मिला। किसी ने धर्म संसद पर आपत्ति जताई है तो किसी ने संतों के बयानों पर, और ऐसे ही रायपुर में हुई धर्म संसद को लेकर अब बवाल मच गया है। रायपुर में धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं नाथुराम गोडसे को नमन करता हूँ कि उन्होंने वो शब्द हम बोल नहीं सकते को मार डाला। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। अब मिली जानकारी के मुताबिक संत कालीचरण को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है। उन्हें रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी पर अब MP के गृह मंत्री गुस्से में आ गए हैं। रायपुर पुलिस द्वारा कालीचरण महाराज की खजुराहो से यानी MP से हुई गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि संघीय नियम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है, इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के, यह इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के DGP को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के DGP से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने MP में आकर एक्शन लिया, जिसको लेकर MP के गृह मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस धर्म संसद से सबसे ज्यादा परेशानी कट्टरपंथियों को हुई। तो सवाल ये कि क्या ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं कि गांधी के नाम पर किसने सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाया है। खैर, महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। कल शाम ही खबर आई थी कि कालीचरण महाराज रायपुर से फरार हो गए हैं, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनकी तलाशी शुरू कर दी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रोटोकॉल तोड़ा गया, क्या नियम कानून सबको ताक पर रखा गया। सवाल कई हैं, पर रायपुर SP प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कालीचरण महाराज खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान में रह रहे थे। आज सुबह 4 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो अब देखना यह होगा कि MP पुलिस और MP के गृह मंत्री अब क्या एक्शन लेते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस के एक्शन के बाद अब ट्विटर पर भी #ReleaseKalicharan Maharaj ट्रेंड करने लगा है। इस रिपोर्ट में सुना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।